कीमा कलेजी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम मटन कलेजी, 200 ग्राम मटन कीमा, 100 ग्राम कटा प्याज, 100 ग्राम कटा टमाटर, 40 ग्राम कटा लहसुन, 10 ग्राम कटा अदरक, 20 ग्राम कटी हरी मिर्च, 100 मिलीलीटर मक्खन, 10 ग्राम लाल मिर्च, 4 तेज पत्ता, 15 ग्राम जीरा पाउडर, 20 ग्राम गरम मसाला, 30 ग्राम कटा हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। We'll start with a little bit of butter. We can either use a white butter, which is very again very famous in Punjab. घी जो देसी घी जो normal होता है। The next one we'll go with a little bit of bay leaf. अच्छा, तेज पत्ता। और अब ये लहसुन डाला आपने? Little bit of garlic, ginger. इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि थोड़ा कलर ना आए। उसके बाद में we'll add little bit of green chilies. Okay. And then I think you would need onions. Yeah, onions also. And then? उसके बाद में कलेजी। Okay. अभी इस समय पे हम जब ऑयल जो पैन में है हमारा, उसके अंदर अगर हम कलेजी को डाल के सियर कर लेते हैं, तो उसका सारा जूस और सारा फ्लेवर जो है वो कलेजी के अंदर ही रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कलेजी पूरी तरीके से भुन गई है, चारों तरफ से थोड़ा इसको कलर भी आ गया है एजेस में। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। ओके, देयर यू गो, दिस इज मटन और चिकन, दिस इज मटन कीमा। और कीमा में भी आप जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा फैट है जी, ये बिल्कुल एकदम प्लेन कीमा नहीं है, तो फैट की वजह से वो भी आपकी करी को एक डिफरेंट फ्लेवर देता है। Now this is the time when we can add our masalas. So this is the cumin powder. Garam masala? ये गरम मसाला पाउडर है। Okay. So. अब इसके अंदर हम थोड़ा सा टमाटर्स डालेंगे। We'll put some tomatoes in there. इससे टमाटर डालने से एक और फायदा है कि नीचे जितना भी अभी तक चिपक रहा था वो सब भी छूट जाएगा, right? Yeah. And now how much time do you need to cook this whole thing? Just maybe around 5 minutes. Okay, great. अब जैसे हमारे टमाटोज जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, पकना स्टार्ट हो गए हैं। Now this is the time when we can add a little bit of salt. अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। This is almost ready. ग्रेवी हमारी रेडी है। Just add on a bit of ginger julienne. And chop coriander. All right. देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हमारा कीमा कलेजी तैयार हो गया। That looks really, really yummy. Okay, so it's time to taste this. Very, very nice. बहुत ही बढ़िया है। आप भी ये अमृतसरी कीमा कलेजी ट्राई कीजिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। और अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो नोट कीजिए इसका चटपट तरीका। कीमा कलेजी बनाने के लिए एक पैन में मक्खन गरम करें, इसमें तेज पत्ता, हरी मिर्च, कटा अदरक और लहसुन डालें, इसमें कटा प्याज डालकर पकाएं, कलेजी और कीमा डालकर धीमी आंच पर पकाएं, इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और टमाटर मिलाएं, नमक और पानी डालकर 15 से 20 मिनट तक पकाएं, हरे धनिया और कटे अदरक से सजाकर सर्व करें।